अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस एक जबरदस्त सा उपटन फेस पैक बनने लगा है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है और जो सिर्फ घर की ही चंद चीज़ों के साथ जो है ना, ये मैं इतना ज़बरदस्त उपटन बनाऊंगी। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून बेसन, जो बेसन बहुत काम करता है आपकी स्किन को फ्रेश करने में, और ऑयल जितना अब आपके चेहरे पर आ जाता है उसे वो ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और इसमें मैं शामिल करूँगी मसूर दाल का पाउडर 1 टेबल स्पून, वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें शामिल करूंगी संदल का पाउडर 1 टेबल स्पून, और जी इसमें शामिल होगी 1 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी के साथ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। अब जिसे अच्छे से मैं मिक्स करके एक जार में रख दूंगी। इस उपटन को आप एज अ फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बेसन पे रखें। जब भी आपने फेस वॉश करना हो, थोड़ा सा हाथ पे रखा, पानी डाला या गुलाब का रख डाला और आपने इसके चेहरे पे मसाज करके जो है वो चेहरा वॉश कर लिया। और ये मैंने फेस पे और हाथों पे और पाँव पे लगाने के लिए निकाल दिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना गुलाब का अरक शामिल करूँगी, और इस ये मैं सही गनी का गुलाब का अरक इस्तेमाल कर रही थी, और थोड़ा सा इसमें मैंने दूध शामिल किया इतना कि जितना ये अच्छे से एक पेस्ट की जैसे बन जाए। अब ये उपटन को मैं अप्लाई करूँगी अपने सारे हाथों पे, पैरों पे, और ये फुल बॉडी उपटन है। इसे उस वक्त तक लगे रहने देना है जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, और जब ड्राई होगा तो हम इसको हल्का हल्का वेट करेंगे और साथ साथ इसको मलते हुए हम इसको रिमूव करेंगे। क्या हम इसको ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप गुलाब का अरक से सिर्फ इसको घोलें और इसे आप ऑयली स्किन पर अप्लाई कर दें। और जिनकी ड्राई स्किन है वो दूध, हनी और थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर लें साथ इसके। जिनके चेहरे पे एक्ने और पिंपल्स वगैरह हैं आप उस चेहरे पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगा तो भी आपने इसको रब नहीं करना, जस्ट स्पंज के साथ, वेट स्पंज के साथ आपने इसको बस हल्का सा उतार देना है और फिर चेहरा अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर देना है। उपटन फेस पैक को आप हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो और डेली बेसिस पे भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस इस तरह हल्का हल्का आपने रब करते जाना है और फिर अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है। इसे रब करते हुए उतारेंगे तो सारी आपके जो मैल वगैरह है वो निकल जाएगी और डीप क्लींजर हो जाएगा। बेहतरीन फेस मास्क है, बहुत ज़बरदस्त है, इसे ज़रूर आप इसको अप्लाई करना। नो साइड इफ़ेक्ट, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जीरा जिसका फाइनल रिजल्ट इतना ज़बरदस्त क्लीन हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।